जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन एयरफोर्स एटॉल इवेंट्स पे। देखिए दोस्तों, आपकी डिमांड पे आज मैं लेके आया हूँ जीके का पार्ट 1। देखिए दोस्तों, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है पार्ट, और इसी पार्ट में मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सभी क्वेश्चन आपके एयरफोर्स एग्जाम में बनते हैं वाई ग्रुप के लिए, वो एक भी क्वेश्चन बार एग्जाम में नहीं आने वाला है पीडीएफ से, इस वीडियो से। तो आप इसे पूरा देखिए, और पूरा देखने के बाद अंत में यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करके शेयर करके भाई को सपोर्ट जरूर करें, वीडियो पूरा देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड, हम उन्हें पढ़ लेते हैं। तो पहला है इसरो। तो देखिए, इसरो जो कि इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस सेंटर, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो की फुल फॉर्म हो जाएगी। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो है बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है, और जो इसरो के प्रमुख हैं वो हैं डॉक्टर के सिवान। नेक्स्ट है नासा। देखिए, नासा जो है, नासा की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एयरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना 1958 में हुई थी, और नासा का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है। और जो अपना DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना भी 1958 में ही हुई थी। यानी नासा व DRDO की स्थापना एक साथ हुई थी, तो ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, वैसे ही श्योर है कि आपके एग्जाम में इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट है बार्क, यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। देखिए, बार्क की स्थापना 1954 में हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है DRDO, जो कि मैंने अभी आपको बताया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म हो जाएगी, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो विश्व का पहला अंतरिक्ष यान था, यानी प्रथम स्पेस शटल, वो था स्पुतनिक 1। यानी विश्व का प्रथम अंतरिक्ष शटल तो जो था वो था स्पुतनिक 1, और जो भारत का प्रथम अंतरिक्ष शटल था, यानी भारत वाला जो अंतरिक्ष शटल था वो था आर्यभट्ट। यानी विश्व का तो था स्पुतनिक और भारत का था आर्यभट्ट। देखिए, जो अपोलो 11 था, ये अपोलो 11 चंद्रमा पर जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, इसी के माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पे गए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है राकेश शर्मा, जो कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। देखिए दोस्तों, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, जो कि 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में गए थे, और ऐसा करने वाला भारत 14वां देश बन गया था। यानी अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला, अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला भारत 14वां देश बन गया था, जबकि 139वां व्यक्ति था कौन? राकेश शर्मा। यानी राकेश शर्मा 139वें व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए, और अंतरिक्ष में गए जब उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इंदिरा गांधी ने राकेश शर्मा से पूछा कि अंतरिक्ष से इंडिया कैसा दिखता है, तो इनके वर्ड थे, यानी इनके शब्द थे, सारे जहां से अच्छा हिंदू से था हमारा। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई। देखिए, ये अपोलो 11 मिशन के तहत नहीं गई थी, ये कोलंबो मिशन के तहत गई थी, जो कि अमेरिका का मिशन था। ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये कोलंबो मिशन के तहत गई थी। अपोलो 11 तो चांद पे गया था पहली बार, जिसके तहत नील आर्मस्ट्रांग गए थे। तो प्रथम भारतीय महिला है कौन? कल्पना चावला। दोस्तों, अगर आपको बहुत अच्छा लगे वीडियो तो सपोर्ट जरूर करें यार, दिल से सपोर्ट करें भाई को। आपके लिए इसी प्रकार से मेहनत करता रहूँगा आपके एग्जाम तक, टॉपिक बाय टॉपिक इसी प्रकार के मटेरियल बना के आपको टॉपिक बाय टॉपिक कवर करा दूंगा एग्जाम तक, सभी टॉपिक। और आपको कमेंट करना है कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट है चंद्रयान 1, यानी चंद्रयान 1 को कब छोड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 2008,
चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को, और कौन से यान के द्वारा? PSLV C-11 के द्वारा। ये यान आपको याद रखना है, एग्जाम में यान पूछ लेता है, डेट पूछ लेता है और अंतरिक्ष स्टेशन पूछ लेता है। जो अंतरिक्ष स्टेशन तो हमेशा श्रीहरिकोटा सतीश धवन आंध्र प्रदेश ही रहता है, लेकिन आपको जो डेट है और जो यान है वो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मंगलयान। देखिए दोस्तों, मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया, जबकि इसका यान था PSLV C-25, और वो इस सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे भी छोड़ा गया। नेक्स्ट है चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 है, इसे देखिए 22 जुलाई 2019 को, अभी थोड़े दिन पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को छोड़ा गया। यान था GSLV Mk-3 M1। GSLV Mk-3 M1 के द्वारा छोड़ा गया श्रीहरिकोटा के आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अब कुछ परमाणु विद्युत ग्रह देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट सारे ही देख लेते हैं। तारापुर परमाणु विद्युत ग्रह जो कि महाराष्ट्र में है, राउतबाटा परमाणु विद्युत ग्रह राजस्थान में है, कल्पक्कम परमाणु विद्युत ग्रह तमिलनाडु में है, नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह उत्तर प्रदेश में है, काकरापार परमाणु विद्युत ग्रह सूरत गुजरात में है, केगा परमाणु विद्युत ग्रह कर्नाटक में है, और ये सब आपको याद रखना है। देखें डेट तो आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको जो स्टेट है वो तो याद रखना ही है, क्योंकि नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है परमाणु परीक्षण से रिलेटेड। परमाणु परीक्षण से रिलेटेड है कि पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो दोस्तों पहला परमाणु परीक्षण भारत ने किया था 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया, और उसके बाद है भारत ने लगातार 2 बार परमाणु परीक्षण कब किया? तो इस क्वेश्चन को मैं वैसे सेट में डाल भी चुका हूँ। भारत ने 2 लगातार परमाणु परीक्षण किए थे 11 व 13 मई 1998 को, जिसे शक्ति 99 नाम दिया गया, यानी शक्ति 99 के नाम से जाना जाता है इस मिशन को, जो कि 11 व 13 मई 1998 को लगातार 2 परमाणु परीक्षण किए थे राजस्थान के पोखरण में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा की जा रही मेहनत आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए यूजफुल है, तो कृपया करके शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है भारत के प्रक्षेपास्त्र। देखिए दोस्तों, ये मिसाइल्स हैं, जो मिसाइल भारत के पास है उन मिसाइल्स को आपको ध्यान रखना है, कौन सी मिसाइल है एग्जाम में पूछी जा सकती। तो देखिए पहली मिसाइल है पृथ्वी, जो कि जमीन से जमीन में वार करती है, जमीन से जमीन के स्तर पर, और 250 किलोमीटर इसकी रेंज है। जबकि नेक्स्ट है त्रिशूल, जो कि जमीन से हवा में वार करती है, जिसकी क्षमता है 9 किलोमीटर। नेक्स्ट है आकाश। आकाश भारत की जो मिसाइल है वो जमीन से हवा में वार करती है, और इसकी जो क्षमता है वो 25 किलोमीटर है। नेक्स्ट है अग्नि। देखिए दोस्तों, ये अग्नि मिसाइल है जो 1 से 5 तक बन चुकी है, यानी अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4, 5। जो अग्नि 5 है उसका हाल ही में ओडिशा के वेलर द्वीप पर इसकी परीक्षण भी किया गया था, ओडिशा के वेलर द्वीप पर इसका टेस्टिंग की गई थी, और इसकी क्षमता जो अग्नि 5 है इसकी क्षमता 5500 किलोमीटर से अधिक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, अग्नि 5। चलिए नेक्स्ट है अस्त्र। देखिए अस्त्र जो मिसाइल है, जो एकमात्र ऐसी मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करती है, और इसकी क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है, यानी किसी एयरक्राफ्ट के जरिए इसे छोड़ा जाता है और हवा से हवा में मार करने में ये सक्षम है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। नेक्स्ट है ब्रह्मोस। देखिए दोस्तों, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि भारत व रूस की संयुक्त रूप से निर्माण की गई है परियोजना के तहत। तो भारत व रूस की संयुक्त रूप से परियोजना के तहत बनाई गई मिसाइल एग्जाम में इस प्रकार से पूछे तो आपको ब्रह्मोस करना है, ये ब्रह्मोस मिसाइल है। नेक्स्ट है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न मिसाइल है जमीन से हवा में मार गिराने में सहायक। प्रद्युम्न जमीन से हवा में मार गिराने में सहायक है, जमीन से हवा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय टैंक। देखिए दोस्तों, टैंक बताता हूँ आपको, जो टैंक है, जो 2 महत्वपूर्ण हैं, अर्जुन और भीष्म, T-90S भीष्म, ये 2 टैंक हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। और नेक्स्ट देखते हैं पिनाका।
देखिए दोस्तों, जो ये पिनाका है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ये आपको ध्यान रखना है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर यानी ये रॉकेट को लॉन्च करने के में काम आती है। और नेक्स्ट है क्रूज मिसाइल, आपने पढ़ा क्रूज मिसाइल, तो ये क्रूज मिसाइल क्या होती है? देखिए दोस्तों, क्रूज मिसाइल होती है ये इस प्रकार की मिसाइल होती है जो अपने लक्ष्य को खोज कर प्रहार करती है, यानी लक्ष्य हवा में चाहे कितने भी गोते खाए, कितने भी कहीं भी जाए, घूमे ऊपर नीचे, लेकिन ये अपने लक्ष्य को मार ही देती है क्रूज मिसाइल। देखिए एयरक्राफ्ट देख लेते हैं हम नेक्स्ट, एयरक्राफ्ट जो भारत के एयरक्राफ्ट है सेना के वायुयान, तो पहला अब वायुयान है लाइट वेट एयरक्राफ्ट तेजस, देखिए बिल्कुल हल्का विमान है तेजस जो कि लाइट वेट DRDO के द्वारा बनाया गया। और नेक्स्ट देखते हैं पायलट रहित विमान निशांत और पायलट रहित विमान लक्ष्य, ये दोनों विमान लक्ष्य और निशांत ये दोनों पायलट रहित विमान निशांत व पायलट रहित विमान लक्ष्य ये दोनों पायलट रहित हैं यानी इसमें पायलट की जरूरत नहीं होती, नीचे से इन्हें ऑपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एडवांस हेलीकॉप्टर, एडवांस हेलीकॉप्टर है ध्रुव, एडवांस हेलीकॉप्टर ध्रुव है, जबकि इसके बाद है IL-78, उड़ान के दौरान लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने में काम आता है। देखिए दोस्तों, जो IL-78 विमान है, जो एयरक्राफ्ट है एयरफोर्स का, ये क्या करता है, ये उड़ान के दौरान यानी उड़ान के दौरान युद्ध करते समय भी ईंधन भरने में काम आता है, यानी उनमें चलते समय भी ईंधन भरता है। तो ये सब ये इनकी अलग अलग कैटेगरी है जो मैंने लिख दी है, ये आपको सबको याद रखनी है। नेक्स्ट है Sukhoi-30, ये Sukhoi-30 भी विमान है, ये भी आपको याद रखना है। और Mirage 2000, MiG-29 और MiG-21, देखिए दोस्तों, जो MiG-27 है, MiG-27 इसे फेज आउट कर दिया गया है, अभी 2019 में इसे फेज आउट कर दिया गया है यानी इसे हटा दिया गया है एयरफोर्स से, तो MiG-27 नहीं है, MiG-29 और MiG-21 फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स की सेवा कर रहे हैं। और नेक्स्ट है राफेल, राफेल जो कि फ्रांस से लिया गया है हाल फिलहाल में, और राफेल विमान नया विमान है और बहुत ही क्षमता के साथ अच्छा विमान है। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, बस शेयर करें, और आपके लिए एक क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर ज़रूर दीजिए। आपको बताना है कि वर्तमान में जो एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं, एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल हैं, वे कौन हैं, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। देखते हैं कितने दोस्त अपने मिशन के प्रति सजग हैं, उनको पता है कि उनके जो चीफ बनने वाले हैं भविष्य में वो कौन हैं, तो आपको इसका आंसर ज़रूर देना है। जय हिंद।